पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंदे नंदाद्भुतैश्वर्यं श्री चैतन्य महाप्रभु नीचोपि यत् प्रसादात् स्याद् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। ठीक है, हम लोग आज भागवतम के सातवें स्कंद के आठवें अध्याय से सातवें श्लोक को पढ़ेंगे। प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यप के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, मूर्ख तुम इतनी धृष्टता कर रहे हो, इस प्रकार का बल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो प्रहलाद महाराज उत्तर दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शायद सभी भारतीय इस उत्तर को जानते हैं, क्योंकि प्रहलाद की पिक्चर को भी देखा होगा तो ये श्लोक जरूर रखा जाता है, जिससे तुमको बल प्राप्त हो रहा है उससे मुझको बल प्राप्त हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ऐसे करके आपने सबने देखी होगी, लेकिन कुछ बातें हम शास्त्र से सुनेंगे सीधे। श्री प्रहलाद उवाच, न केवलं मे भवतश्च राजन् सवै बलं बलिनां चापरेषां परे वरीमि स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वंशं प्रणीतः। श्री प्रह्लाद, सॉरी शब्दार्थ पढ़िए। श्री प्रह्लाद उवाच, प्रह्लाद महाराज ने उत्तर दिया, ना नहीं केवलम केवल मैं मेरा भवतः आपका च तथा राजन हे राजा सह वह वै निसंदेह बलम बल बलिनाम बलियों के च तथा अपरेषां अन्यों का परे सम्मानीय अवरे अधीन अमी वे स्थिरजंगमाः चल या अचल जीव ये जो ब्रह्मादयः ब्रह्मात्यादि येना जिसके द्वारा वशम वश में प्रणीता लाया गया। अनुवाद, प्रहलाद महाराज ने कहा, नहीं बोलने की जरूरत नहीं, हे राजन आप जिस बल के मेरे स्रोत को जानना चाह रहे हैं वे आपके बल का भी स्रोत है। निसंदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है, वह न केवल आपका या मेरा बल है अपितु सबों का एकमात्र बल है। उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता, चाहे चल हो यानी कि चलने वाला या अचल हो या किस मतलब रुका हुआ जैसे पेड़ इत्यादि,
उच्च हो या नीच हो, यानी कि चींटी हो, नीच का मतलब चींटी एकदम मान लीजिए और उच्च मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा समेत सारे जीव भगवान के बल द्वारा नियंत्रित हैं। पहले आप संस्कृत को देखिए, बार बार बोलने मात्र से आपको समझ में आ गया होगा, ना केवलम में, केवल मेरा ही नहीं, ठीक है, भवतश्च राजन, राजन आपका भी। इस पर आचार्यगण टीका करते हैं, राजन होने के नाते आपकी से अपेक्षित है कि आपकी सूक्ष्म दृष्टि हो, आपको दिख नहीं रहा है। एक आचार्य राजा हो, राजा की तो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि होती है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि केवल मेरा ही बल नहीं, आपका भी बल वहीं से आ रहा है। अब सोचिए कि हिरण्यकश्यपु को कितना दुख लगा होगा जिस विष्णु से वह एकदम क्या कह सकते हैं उसको द्वेष करता है, और उसके लिए कहा जाए कि आपका बल भी उस विष्णु से ही आ रहा है, कितना उसको क्या कहेंगे जला होगा हंस कर, कितना कष्ट मिला, पहले क्रोधित है। और आप ये देखिए कि प्रहलाद महाराज के अंदर एक बल जो हम देख रहे हैं वह अत्यंत निर्भयता, हिरण्यकश्यपु सामने हो तो किसी व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है कि बोल दे कि आपका बल भी विष्णु से आ रहा है, वो विष्णु शब्द सुनना भी नहीं चाहता था। तो ये हम देख रहे हैं कि इसी श्लोक में हम प्रहलाद महाराज की अत्यंत निर्भयता को यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, और प्रहलाद महाराज जान रहे हैं कि ये निर्भयता भी भगवान कृष्ण से ही आ रही है, भगवान विष्णु से आ रही है। और ऐसा नहीं है राजन कि केवल आपकी और मेरी, सवई सह उन्हीं भगवान के द्वारा, वही बलम निश्चित, वही मतलब अवधारणा, निश्चितता, निश्चित बात है कि बलम बलिनाम, सभी बलियों का, जितने भी कोई व्यक्ति का किसी प्रकार का भी बल है उनका भी बल वही है, च अपरे शमर अन्यों का भी। अन्यों से क्या अर्थ है आपका, परे अवरे, परे मतलब जो उच्च योनि में है, जैसे कि ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ मान लीजिए, और अवरे एकदम निम्न योनि, मान के चलिए चींटी, चींटी और भी कोई हीन अमीबा, और नीचे चले जाइए, माइक्रो व्हाटएवर वायरस, जो वायरस को आप नहीं मानेंगे जीव, लेकिन जो भी शक्ति है वो भगवान के द्वारा आ रही है। अमी मतलब ये सारे लोग, स्थिर जंगमा ये, स्थिर तो समझ गए, स्थिर मतलब जो चलते नहीं हैं जैसे कि पेड़, और जंगम मतलब चलते हैं जैसे कि हम सब लोग और पशु पशु पक्षु इत्यादि सब, ये ब्रह्मादय, ब्रह्मा आदि भी जो महान देवता हैं, ये ना जिन भगवान के द्वारा वशम प्रणीत, वश में लाए गए हैं, कंट्रोल में कर लिए गए हैं, इस प्रकार से कर लिए नहीं गए हैं अपितु कंट्रोल में ही हैं। तो श्लोक समझ में आ गया सबको, केवल मेरा ही नहीं राजन, आपका बल भी उन्हीं भगवान से आ रहा है, और अन्यों का बल भी उन्हीं से आ रहा है, चाहे वो उच्च योनि में हो, चाहे वो निच योनि में हो, चाहे वो स्थावर में हो, चाहे वो जंगम में हो, ब्रह्मा पर्यंत भी सभी का बल भगवान से आ रहा है। तो श्लोक तो बड़ा स्पष्ट है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। भगवान कृष्ण भगवद गीता 10.41 में कहते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम, सबका बल आ रहा है भगवान से, हमारे श्रोताओं को श्लोक बोलने का बल भगवान नहीं दे रहा, ये मुझे लगता है प्रहलाद महाराज नहीं बोलते, सबको बल मिलता है लेकिन भागवत में श्लोक बोलने का बल भक्तों को नहीं दिया जाएगा, है कि नहीं, और भगवान प्रभु हैं क्या देते, हाथ खड़ा करेंगे नहीं है, हाँ प्रभु जी थोड़ा प्रसाद ले आइए, तो प्रसाद खिला खाते खाते लोग जो है मेरे ख्याल से कुछ बोलेंगे श्लोक 9 बजे, नहीं हमें लगता है पहले शुरू कर देना चाहिए, तब थोड़ा बल आएगा, चलिए थोड़ा जोर से बोलिए भाई, अपने प्रसाद को की कमाई कीजिए। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद एवाव गच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जान लो कि सारी सुंदर यशस्वी तथा शक्तिशाली सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग से प्रकट होती हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और इससे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमको मिल रही है। देखिए इस जगत में हमें हमसे श्रेष्ठ बहुत से लोग दिखेंगे, हैं कि नहीं, कुछ भी आप करना जानते हैं उससे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति जरूर दिखेगा, खाना बनाना जानते हो उससे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति दिखेगा, गाना गाना जानते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति दिखेगा, ऐसा कोई कला नहीं जिसमें आप कहें कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं हो सकता कोई नहीं हो सकता,
लेकिन जब अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि नहीं, उससे कैसे मिल गया। देखिए, यदि आपको खाना बनाना नहीं आता है, सामने वाला अच्छा खाना बनाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हमें खाना बनाना आता है अच्छा और सामने वाला अच्छा बनाता है, उसको गुणगान होता है, तो हमें दिक्कत होती है। समझ रहे हैं इस बात को? आपको प्रवचन करना आता है और आपकी कोई तारीफ ना करे और दूसरे वाले करे, वो प्रभु जी बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं। हाँ, करते तो अच्छा है। देखिए, ईमानदारी की बात कीजिएगा, भक्त होने के बाद भी हमको ऐसा खुशी नहीं होती, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक। तो हम क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं? क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जितना भी हम कुछ कर पा रहे हैं वह भी कृष्ण के बल से, और जितना वो कुछ कर पा रहा है वह भी कृष्ण के बल से। और ये ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा अपने हृदय को चेक कर लेना चाहिए, दूसरा व्यक्ति का उत्कर्ष हो रहा है किसी भी तरह से, भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, अगर हमको प्रसन्नता हो रही है कि हाँ भाई ये भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, हमसे अधिक आगे बढ़ रहे हैं और हम प्रसन्न हो रहे हैं, तो हम सच्चे भक्त बन गए। और इसकी परीक्षा स्वयं महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में हम सुनते हैं, जब रूप गोस्वामी जी दोबारा मिलते हैं, रूप गोस्वामी जी पाद अन्य वैष्णवों की तुलना में यंग डिवोटी हैं, और महाप्रभु सभी वैष्णवों के सामने उनसे कहते हैं आप अपनी काव्य रचना बताइए, आपने जो काव्य लिखा है उसको बताइए, और उसके बाद सबके सामने महाप्रभु गुणगान किए जा रहे हैं, और अन्य वैष्णव अद्वैताचार्य जी, रामानंद राय जी, सब बड़े खुले दिल से सब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे ही आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु रथयात्रा के समय कुछ बोलते थे, पोएट्री एक काव्य बोलते, तो इसमें लग रहा था कि कोई लड़की एक लड़के को बोल रही है कुछ, और कोई समझ नहीं पाता था, और श्रील रूप गोस्वामी जी समझ लिए और उसके आधार पर एक श्लोक लिखे जो कि श्रीमती राधारानी का भाव था कृष्ण के प्रति, और फिर महाप्रभु आकर के और उसके बाद लिख करके अपनी झोपड़ी में एक फूस उसमें घुसा दिए थे, और महाप्रभु आ करके उसको निकाले, उसको पढ़े और उसका गुणगान अन्य भक्तों के सामने करे और कहे कि इसको, इसने मेरे हृदय की बात को कैसे समझ लिया। तो अन्य वैष्णव बोलते हैं, मैं समझता हूँ मुकुंद दत्त या रामानंद राय, दोनों में से कोई बोलते हैं, आपकी कृपा के बिना ये कैसे आपके हृदय को समझ सकते हैं? तो महाप्रभु ने कहा हाँ, इनके दैन्य को देख करके मैंने इनमें शक्ति संचारित करी थी। अब देखिए, भगवान इस प्रकार से अन्य भक्तों के सामने बोल रहे, सीनियर डिवोटीज के सामने जूनियर डिवोटी की प्रशंसा कर रहे हैं, और अन्य भक्त भी कोई ईर्ष्या नहीं कर रहे, ये है वैष्णव समाज। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिल रही है कि किसी को भी किसी तरह से, हम भौतिकता में तो कोई ईर्ष्या करते नहीं, किसी पर बहुत पैसे हों उससे क्या, उसे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन भक्ति में स्पेशली अगर किसी को हम उत्कर्ष प्राप्त करते हुए देखें, तो व्यक्ति अगर हृदय में जलन का अनुभव कर रहा है तो ये ठीक नहीं है, ये बीमारी को हमें निकालना चाहिए अपने हृदय से, भगवान का नाम जप करके, भागवत श्रवण करके खुश होना चाहिए कि हाँ ये बस पे बस भक्त पे भगवान का आशीर्वाद है, तभी तो कुछ हुआ है, भगवान की भक्ति कर पा रहा है। न सिर्फ प्रवचन की बात कर रहा हूँ, मान लो कोई भक्त बहुत जप कर रहा है अच्छे से, मतलब अच्छे से बैठ के बढ़िया से माला जप कर रहा है, तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि कितना अच्छा जप कर रहा है। तो उससे आप ध्यान दीजिएगा, उसके सद्गुण पर विचार करेंगे, मनन करेंगे, तो वो गुण हमारे हृदय में आने लग जाएगा। कुछ समझ रहे हैं? ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई अच्छे से भक्ति कर रहा है और हम उसको सोचते रहे कितना अच्छे से भक्ति कर रहा है, मेरे पास तो ये गुण है नहीं, काश मेरे पास भी ये भगवान की भक्ति का गुण होता, तो आप तो भक्ति कर ही रहे हैं और सद्गुण पे विचार कर रहे हैं, तो फिर वो गुण हमारे हृदय में भी आने लगता है। मेरे अंदर में आया तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं जब बाली गया था तो वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट इतने नम्र भक्त थे, अब बोल रहा हूँ शुद्धदेव प्रभु, इतने नम्र, मैं प्रसाद लेके उठा, वो मेरी था, वो क्या कहते हैं पत्तल को उठाने लगे, मैंने कहा नहीं प्रभु जी, और मुझसे कम से कम 10-20 साल तो सीनियर होंगे भक्त, और ब्रह्मचारी हैं वो, इतना इतना सुंदर सुशील स्वभाव, बहुत ही अच्छा स्वभाव। तो यह भी भगवान का एक ऐश्वर्य है कि प्रेसिडेंट भी हैं, सब कुछ भी हैं, फिर भी इतनी नम्रता हृदय में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात और समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति वास्तविक रूप से नम्र है उसके पीछे भगवान की सारी शक्तियाँ होती हैं, जैसे आप प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, है कि नहीं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और भक्त को हमेशा इस प्रकार से अगर चित्त में रहेगा तो खुद भी जो कुछ भजन कर पा रहा है वो याद रहेगा किसके बल से, भगवान के बल से हो रहा है। अब थोड़ा विनोद की बात है, मैं गौशाला से मंदिर आ रहा था, या मंदिर से गौशाला जा रहा था, ये याद नहीं कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, वहाँ एक भक्त जप कर रहे थे नहीं, हमारे ढंको माता मेडिसिन के पास में, और अकस्मात मुझे बोले आपको पता है मैं 1 लाख कर रहा हूँ, थैंक यू प्रभु जी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप 1 लाख नाम जप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वह भगवान की शक्ति से कर रहे हैं, इसलिए साधु लोग ये नहीं बोलते कि मैं कर रहा हूँ,
साधु लोग बोलते हैं ठाकुर जी मुझसे ये सेवा ले रहे हैं। जो वाकई श्रेष्ठ भक्त हैं वो कभी नहीं कहते कि मैं ये कर रहा हूँ, अरे भगवान की कृपा है कि मैं कुछ भजन ये जो भी सेवा करवा मुझसे करवा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारे हृदय से अहंकार दूर रहेगा, क्योंकि अहंकार तो ऐसे मानिए जैसे केरोसिन है। बहुत सुंदर खीर भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, उसमें 100 ग्राम केरोसिन डाल दी तो भगवान उससे संतुष्ट नहीं होते। इससे हमारा अहंकार बचेगा कि हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो भगवान की कृपा से कर पा रहे हैं। और दूसरा एप्लीकेशन ये है कि ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान की कृपा होगी तो हम सब कुछ कर सकते। प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु भगवान कृष्ण मुझे शक्ति दीजिए ताकि मेरा शब्द इनको समझ में आए, विदेश में जो भक्त लोग क्या समझते हैं। तो दोनों ही बातें हैं, हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ अपनी सामर्थ्य से कर सकते हैं, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कर सकते, भगवान की कृपा होगी तो हम कर सकते हैं। तो कृपा याचना करना चाहिए, लेकिन इससे अहंकार मन में नहीं आएगा। प्रहलाद महाराज द्वारा इसकी पुष्टि की जा रही है। क्या पुष्टि की जा रही है? इस जगत में जो कोई भी कुछ शक्ति वाला है उसके पीछे भगवान कृष्ण है। बहुत ईजी है, आप देख रहे हैं यहाँ बल्ब जल रहा है, पंखे चल रहे हैं, प्रोजेक्टर चल रहा है, कहाँ से चल रहा है? करंट चल रहा है। और करंट कहाँ से आ रहा है? पावर हाउस। सीधी सीधी बात है। तो जो व्यक्ति के पास दृष्टि है वो समझ जाएगा कि जो कोई भी कुछ भी कर पा रहा है, कोई भी सेवा भगवान की कर पा रहा है, उसके पीछे भगवान का बल है। यदि कोई मनुष्य कहीं कोई अद्वितीय बल या शक्ति देखता है तो वह भगवान से उद्भूत हुई है। उदाहरणार्थ अग्नि की कई कोटियाँ हैं किंतु वे सभी सूर्य से ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करती हैं। जिसके पास तत्व दृष्टि होगी वो जानता है कि लकड़ी भी सूर्य से बनी है, लकड़ी की अग्नि, और बाकी आप ये भी जानते हैं कि यह भी सूर्य से आया है। ये जो कोयला होता है उसी से थर्मल पावर प्लांट चलते हैं, उसी पावर हाउस चलता है। तो अंततोगत्वा सारा प्रकाश या अग्नि जो है वह सूर्य से आ रहा है, और सूर्य का प्रकाश किसी से नहीं आ रहा, ये भी समझ लेना होगा। जो प्रभुपाद धारण दे रहे हैं वो समझना होगा, सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से आ रहा है? स्वयं से, और वह सभी को प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करने वाला है। उसी प्रकार से भगवान स्वयं शक्तिमान है, उन्हें किसी की शक्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके द्वारा सभी लोग शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या हम भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते कि भगवान आपकी जो सबसे अधिक प्रिय सेवा है कृष्ण भावना का प्रचार करने की, उसको मुझे नीच को भी दे दीजिए? यही तो सनातन गोस्वामी की शिक्षा में अध्याय 20 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, वंदे नन्ताद्भुतैश्वर्यं श्री चैतन्य महाप्रभु नीचोपि यत् प्रसादात् स्याद् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। मैं उन चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूँ जिनका अनंत अद्भुत ऐश्वर्य है। क्या कैसे बताओ? कह रहे नीच व्यक्ति भी, नीच होते हुए भी व्यक्ति भक्ति शास्त्र का प्रवर्तन कर सकता है, इच्छा होनी चाहिए। ये दूसरा पॉइंट पकड़ के चलिएगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की कृपा से भगवान हमें निमित्त जरूर बना सकते हैं। ठीक है, एक बात मैं बताना भूल गया कि ठीक है ऊंचे वालों को तो देखे हम ठीक है, लेकिन जो हमसे नीचे हैं, नीचे का अर्थात कम शक्ति वाले, उनके प्रति क्या दृष्टि होनी चाहिए? क्या दृष्टि होती है? इतना भी नहीं कर सकते? बुद्धि है, भगवान ने कुछ बुद्धि दी है तुमको, भले ना बोलें सोचते जरूर है कि हाँ ये तो, अरे इतनी सी बात नहीं समझ सकते तुम शास्त्र की, क्या बुद्धू हो तुम? तुम तो बस खाली प्रसाद खा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ये भावना भी वैष्णव की नहीं होती। अगर अपने से कोई निम्न व्यक्ति है जो कम कर पा रहा है, तब भी देखना चाहिए कि भगवान उसको इतना सामर्थ्य दे रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, मैंने एक बात महात्मा प्रभु से पूछी थी, फिर रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि प्रभु जी जब हमें थोड़ा सा शास्त्र का ज्ञान हो जाता है तो कभी कभी हम सोच सकते हैं कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं। और प्रभु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, कहा कि देखिए अगर आपको शास्त्र का ज्ञान है अधिक, तो इसका अर्थ यही है कि केवल शास्त्र का ज्ञान अधिक है, इसका अर्थ यह नहीं कि आप कृष्ण को उससे अधिक प्रिय हैं। कृष्ण को सारे बच्चे प्रिय हैं, ज्ञान शास्त्र का हो या और किसी चीज़ में कोई भी एक्सपर्टाइज हो, कृष्ण प्रसन्न होते हैं जब हम शुद्ध भक्ति शुद्ध भावना से उनका भजन करते हैं। समझना, चाहे किसी तरह से सेवा करें, चाहे शास्त्र के द्वारा कर रहे हैं या प्रवचन कर रहे हैं या जप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं जब उनको प्रसन्न करने की इच्छा से हम ठीक से भक्ति करते हैं। अहंकार से युक्त होकर के भक्ति करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं कि नहीं, उसको ऑपरेट करने का प्रयास करेंगे भगवान। इस संबंध में छोटी सी घटना और कहेंगे, हम उनसे मिले तो नहीं हैं, परम पूज्य एक भक्त बता रहे थे, परम पूज्य निरंजन स्वामी महाराज, उनसे एक माता जी ने प्रश्न किया, वो विदेश में थी माता, कहने माता महाराज जी मैं जो भी सेवा मिलती है उसमें सफल हो जाती हूँ,
क्या करते हैं, मैंने भाई मैं ईंट स्पॉन्सर करानी थी मंदिर की, सारी ईंट स्पॉन्सर करा दी और डोनेशन भी लेके आ जाती हूँ, तो मेरे हृदय में अहंकार आ जाता है। तो क्या मुझे स्वयं ही इस अहंकार को त्याग देना चाहिए या भगवान पर छोड़ देना चाहिए कि भगवान इस अहंकार को त्यागेंगे? तो महाराज का उत्तर बड़ा रोचक था। उन्होंने कहा अच्छा होगा कि आप इस अहंकार को स्वयं त्याग दें, नहीं तो कृष्ण इसको जैसे दूर करेंगे वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आया? अच्छा होता ना कि इंद्र अहंकार पहले ही त्याग देते, भगवान कितनी फजीहत में पड़ गए ना बाद में, इंद्र को कंट्रोल में कर लिया ना कृष्ण, है कि नहीं? तो बेहतर है कि पहले से अहंकार को त्याग के चले, हम कृष्ण के निम्र छोटे से दास हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार से रहें तो खुश रहेंगे। ठीक है, तो अहंकार का भी भावना उधर से भी नहीं आना चाहिए कि हमसे कोई निम्न है, तो निम्न का मतलब ज्ञान में या भक्ति में कम है, तो हमें कृपा करना चाहिए, दया करना चाहिए, तो इससे भी हम ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होंगे। समझ रहे हैं? मुझसे नीचे है तो नीचे ही रहे ना, ऐसा होना चाहिए कि वो मुझसे भी आगे निकल जाए, इस प्रकार से हम प्रगति कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे, इफ यू अप्रिशिएट एनी वंस डिवोशनल सर्विस इवन इफ इट इज डन विद एनी इंटेंशन देन यू मेक एडवांसमेंट। कोई व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से कृष्ण की सेवा कर रहा है, किसी भी उद्देश्य से, अद्भुत है महाराज, और यदि आप सराहना करते हैं भगवान की सेवा कर रहा है, तो हम स्वयं भगवान की भक्ति में अधिक प्रगति करते हैं। सो अमेजिंग। तो ठीक है, अग्नि वाली बात आपको समझ में आ गई, सभी का शक्ति भगवान के द्वारा ही आ रही है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जो चीज़ सामने वाले के लिए बहुत आसान है और आपके लिए बहुत कठिन है, और वही है ना बहुत मुश्किल होता है ना, जैसे मेरे से बोलते जा खाना बनाओ, नेक्स्ट लाइफ खाना खाओ हाफ एन आवर है कि नहीं? उपस्थित भक्त जो में बहुत से लोगों से ऐसी कठिनाई होगी, खाना बना नहीं सकते, वाह वाह कर सकते हैं कि नहीं? वाह वाह बहुत अच्छा बना है कि नहीं? बहुत से भक्तों को मृदंग का तार एक खा भी नहीं आएगा, प्रभु जी धमाधम बजा देते हैं कि नहीं? आप कभी सोचते नहीं कि कैसे उंगली सारी बजती हैं? मैंने जिससे हारमोनियम सीखा, एक बार उनसे प्रश्न किया, तुम्हें कैसे मालूम चलता है कि इस पे सा बजेगा, इस पे रा बजेगा, ये बजेगा? वो भी सोच रहा था, मुझे तो नहीं पता। आपको पता है अभी हारमोनियम बजाते हो, इज इट नॉट? अब सब लोग देख सकते हैं कि हम लोग बजा रहे हैं और कैसे मालूम चल जाता है कि कौन सी की से कौन सी ट्यून निकलती है। हमारे माता प्रभु तो आंखें बंद करके बजा देते हैं, बताइए। सोचा नहीं, अपनी आंखें बंद करके कैसे बजाएगा? सभी के पीछे भगवान शक्ति देने वाले, तो खुश होना चाहिए कि हमें भगवान ने कोई शक्ति दी है, हम भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, लेकिन अहंकार का कोई स्थान नहीं। अरे यही सोचिए, मैं कुछ बोल पा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं बोल पा रहा हूँ, कैसे कुछ सोच रहा हूँ और वो वाणी के रूप में बाहर आ रहा है, मुझे कुछ पता है कैसे हो रहा है? और मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कैसे आ रही है? नहीं पता? तो ये सभी के पीछे भगवान है कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए अगर ये मन में आ रहा है अहंकार, मुझे सारी बात समझ में आ रही है, तब भी कोई अहंकार नहीं आना चाहिए कि नहीं, ये जो भी कुछ आ रहा है भगवान की कृपा से आ रहा है। इधर भी ना समझ पाए तो वो दिन याद कीजिए जब हम पहली बार भागवतम सुन रहे थे, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे हैं? मुझे याद है कि महाराज प्रवचन कर रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, एक व्यक्ति को बोले भक्ति विश क्लास में, कौन सी भाषा में बोल रहा हूँ? वो चला घबरा गया, वो बोल ही नहीं पा रहा था, नया भक्त था, होगा इस प्रकार से। कभी कभी ऐसी स्थिति भी, सभी लोग ऐसे होते हैं एकदम कवर्ड अप, लेकिन भगवान की जो हम भक्ति करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, भागवत सुनते हैं, तो धीरे धीरे भगवान हमको इस आध्यात्मिक शक्ति का बल देते हैं। मुझे याद है 3 साल मुझे सुबह उठने में दिक्कत आती थी, IIT में लगता था कि किसी ने पकड़ लिया है बेड पे ऐसे कर, रोज संकल्प करते थे, अब देखिए कोई कठिनाई नहीं। तो कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, ये सब कृष्ण की कृपा की वजह से हो पा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी प्रकार सारे जीव चाहे बड़े हों या छोटे, भगवान की दया पर निर्भर हैं। मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह उनकी शरण में जाए, क्योंकि वह दास है और कभी भी स्वामी का स्वतंत्र पद प्राप्त नहीं कर सकता। ये बार बार हम क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि यही बीमारी हमारे हृदय में है कि हम स्वतंत्र हैं। इसे कहते हैं स्वैर आचरण। स्वैर आचरण समझते हैं? जो मेरे इच्छा में आएगा वो मैं करूँगा। यहाँ क्या सुन रहे हैं? ब्रह्मा जी को भी वश में रखते हैं, ब्रह्मा जी भी भगवान की आज्ञा टाल करके नहीं कुछ कर सकते हैं, और हम जैसे बहुत छोटे से क्षुद्र जीव सोचे कि हम भगवान को टाल करके नज़रअंदाज करके कुछ करेंगे और कुछ नहीं होगा, ये गलत बात है।
भगवान जैसा चाहते हैं वैसे जीवन यापन करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। वैसे इस बात पे जब ये श्लोक है तो कौन व्यक्ति उस प्रसंग को भूल सकता है जब भगवान श्री राम पुल बांधना चाहते, सभी जानते हैं लेकिन फिर भी हम स्मरण करेंगे कि भगवान पुल बांधना चाहते थे और एक गिलहरी समुद्र में जाती, पानी में डूब जाती, अपने बॉडी को गीला करती और फिर वह बालू पे, रेत पे लौटती और उसके बाद उस रेत को जा करके उस पुल में डिपॉजिट कर देती जो पुल भगवान के लिए बन रहा था। और आप जानते हैं कौन आए? हनुमान जी। और हनुमान जी ने फिर कहा है हटो तुम दब जाओगी यहाँ पे। तो फिर भगवान ने कहा नहीं, आप बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं और ये गिलहरी अपने क्षमता के अनुसार अपनी पूरी क्षमता से वो कुछ कण उसमें डाल रही है तो मुझे दोनों ही प्रिय हैं। समझ रहे हैं बात को? चाहे को ये चैतन्य चरतामृत में लिखा है कभी नहीं कहना चाहिए ये छोटा वैष्णव, सॉरी ये छोटा वैष्णव ये बड़ा वैष्णव, ये अपराध हो जाएगा। एकदम स्पष्ट लिखा है शुरुआत में चैतन्य चरतामृत में लिखा है कि महाप्रभु की जो शाखाओं का वर्णन हो रहा है सभी भगवान को प्रिय हैं। चाहे हम महाप्रभु की वो डाली हों जिसमें केवल एक फल निकला, मतलब चाहे हम जीवन में किसी एक व्यक्ति को ही भक्त बना पाए और चाहे किसी बहुत सारे लोगों को प्रीचिंग किया वो अलग अलग बात है, लेकिन सभी महाप्रभु को प्रिय हैं। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है, बस ये होना चाहिए कि मैं महाप्रभु का सेवक हूँ, मुझे इस जन्म में स्वयं भक्ति करनी है और अन्य लोगों को कम से कम एक व्यक्ति को तो जरूर भक्ति के बारे में बताना है, मदद करनी ताकि वो जीवन भर भक्ति में टिका रहे। ये तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, वो एक व्यक्ति हम स्वयं हैं। नहीं नहीं हम तो हैं ही और दूसरा भी है, ठीक है ऐसा। हाँ ठीक है प्रभु जी मैं भक्ति में बना रहूँगा। नहीं दूसरा भी इस संबंध में कल एक बहुत सुंदर शिक्षा मुझे प्राप्त हुई परम पूज्य भक्ति चारु महाराज की। इसी संबंध में बात कर रहे थे कि स्वतंत्र आचरण ना करें और कृष्ण के दास के रूप में उनको संतुष्ट करने का प्रयास करें। उनका यदि चुनाव हो कि हम अपनी मदद करें या दूसरे की मदद करें तो क्या करना चाहिए, तो महाराज जी कहते थे कि दूसरे की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे की मदद के बारे में सोचोगे तो भगवान आपकी मदद स्वयं करेंगे। और आप देखिएगा किस प्रकार से होता है। एक भी व्यक्ति को हमने मदद करी है भक्ति में आने के लिए, मदद करिए कृष्ण आपका उद्धार स्वयं करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी के शब्द हैं। हर व्यक्ति मदद कर सकता है और जरूरी नहीं कि आप प्रवचन करें। अगर मान लीजिए प्रवचन नहीं कर सकते तो बुला सकते हैं प्रवचन हो रहा आइए, या प्रसाद दे सकते हैं किसी न किसी तरह से। बहुत सुंदर कारण हमारे करना में प्रभु बता रहे थे कि कुछ भी कर रहे हैं ये रहना चाहिए गोल कि ये किस प्रकार से प्रचार आंदोलन को बढ़ाएगा बस। और हमारे जीवन में कोई स्वतंत्र आचरण नहीं होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ दास हैं कृष्ण के और कृष्ण चाहते हैं कि जीवों के पास ये हरिनाम भगवान का प्रसाद कथा पहुँचे, ऐसे हर व्यक्ति को ऑब्सेस्ड जाना चाहिए। ऑब्सेस्ड क्या बोलेंगे, ऑब्सेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, ऑब्सेशन समझते हैं, मन में एकदम बस और कोई विचार चलना ही नहीं चाहिए कि बस हमें कृष्ण की स्वयं भक्ति करनी है और दूसरों को कृष्ण का नाम देने का प्रयास करना है। इस पर एक और रोचक, टाइम कम है, एक घटना और सुनाना चाहता हूँ, बड़ी रोचक घटना है। एक बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसी रामेश्वरम उसी स्थान पर गए और अर्जुन ने कहा अहंकार, अरे भगवान श्री राम को ये क्षमा कीजिएगा कृष्ण साथ में नहीं थे, कृष्ण साथ में खाली अर्जुन थे वहाँ पर, तो अर्जुन ने कहा कि ये पत्थर का पुल बांधने की क्या जरूरत थी, हम तो बाण से ही बना देते पुल भगवान भी बना सकते थे। तो वहाँ एक मंकी आए, मंकी समझ गए लेकिन अभी हनुमान गिर में प्रस्तुत नहीं किए, कह रहे नहीं वो बाण का जो पुल बनता वो कमज़ोर होता है। तो कमज़ोर कैसे होता है, मैं बना के दिखाता हूँ। तो दोनों में शर्त लग गई, तो अर्जुन की तरफ से प्रस्ताव हुआ कि यदि आपने मेरे पुल को तोड़ दिया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा, और इधर हनुमान जी की तरफ से हुआ कि अगर मैं नहीं तोड़ पाए तो मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। तो अर्जुन बाण का पुल बनाते, हनुमान जी तोड़ देते, फिर बनाते फिर तोड़ देते, फिर बनाते फिर तोड़ देते, तो अर्जुन अब सोच लो ठीक है अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। इतने में कौन आ गए, एक ब्राह्मण आ गए, ब्राह्मण जानते हैं कौन है ब्रह्म परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण आ गए, लेकिन ब्राह्मण के रूप में आए, कहते अभी मैं आप लोगों के बीच की जो झगड़ा है उसको सॉल्व करूंगा, आप फिर से पुल बनाइए अब बाणों का पुल। अब जो अर्जुन ने पुल बनाया बाणों का उसको हनुमान जी नहीं तोड़ पाए, फिर भगवान कृष्ण अपने आप को प्रस्तुत किए, कहे देखो भक्तों के बीच में इस प्रकार का अहंकार जो है अच्छी बात नहीं, आप लोगों को प्रेम से रहना चाहिए। तो समझ रहे हैं इस प्रकार से ये सभी के पीछे जो बल हैं वह भगवान ही हैं, ये समझना चाहिए। ठीक है मनुष्य वाओ, पानी में चाहे बड़ी मछली हो और चाहे छोटी मछली हो उस सभी का जीवन पानी है। क्लियर, अब मैंने समझा उसके अधिक और उदाहरण समझाने की जरूरत है। वो सभी
हर प्रकार से पानी पर ही आश्रित हैं, उनमें से एक भी मछली स्वतंत्र नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि स्वतंत्र रहना बड़ा अच्छा है, लेकिन नहीं, शरण में जाना सबसे अच्छा होता है। मछली के लिए तो यही अच्छा है ना कि पानी की शरण में रहे, बहुत अच्छी बात है। बड़ी मछली चाहे छोटी मछली, सभी के आधार, सभी के प्राण, सभी का जीवन पानी है। इसी प्रकार से हम सभी की शक्ति भगवान कृष्ण से आती है। मनुष्य स्वामी का पद स्वामी की दया से ही प्राप्त कर सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। जब तक कोई इस दर्शन को समझ नहीं लेता तब तक वह मूड बना रहता है। ये समझ में आया, भगवान का धाम भगवान की कृपा के बिना नहीं पहुंच सकते। ऐसा नहीं है कि हम राजकुमार, देखिए रहता राजकुमार दरवाजा तोड़कर घुसेंगे, हाँ गोलक में आ गए, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू बेंड ऑन आर नीज, जिसे कहना चाहिए। नम्र व्यक्ति ही भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकता है। तो कृष्ण को स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी कृपा याचना नहीं करेंगे, कृपा को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो कौन भगवान के पास पहुंच सका है। प्रसाद लेशानुग्रहित एवही, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान आपका प्रसाद लेश, आपका कृपा लेश जिसको प्राप्त हुआ, तो जानाति तत्वम भगवन महिमनो, वह आपके तत्व की महिमा को समझ सकता है। नाचान्य एकोपि चिरन विचरण, करता रहे विचार करता रहे वह नहीं समझ सकता। इसीलिए भगवान की कृपा प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कृपा मिलेगी कैसे? भगवान का नाम उच्चारण करके, जीव दया करके, दूसरों पर दया करते हैं, कृष्ण बहुत कृपालु होते हैं, और वैष्णव की सेवा करके। इससे पहले आगे जाएं, जब जब बात आ रही है कि कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है, तो मेरे ख्याल से सभी लोग फॉर्मूला जानना चाहेंगे कि जल्दी कैसे मिलेगी, इज इट नॉट, या नहीं चाहते? तो नारद जी बता रहे हैं तीन चीज़ करनी है। अपनी इंद्रियों को संयमित करना है, जैसे भगवान रखें वैसे सब में संतुष्ट रहना है, और दूसरों पे दया करनी है। याद हो रहा है कुछ? अपनी इंद्रियों को संयमित करना है पूरी तरह से, भोग में नहीं जाने देना है, और जैसे भगवान रखें उसमें संतुष्ट रहना है, हाय तोबा नहीं करना है, और दूसरों पे दया करना है। तो तुष्यति आशु जनार्दना, उससे भगवान बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं, और जो संतुष्ट होंगे तो कृपा हमको प्राप्त होगी। दूसरे शब्दों में, वह बुद्धिमान नहीं होता, मतलब जो भगवान की शरण में नहीं जाता, जिन मूढ़ों या क्या लिखा है, गधों में बुद्धि नहीं होती, वे भगवान की शरण में नहीं जा सकते। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपृत ज्ञाना आश्रम भावम आश्रिता। तो मूढ़ शब्द और गधा शब्द प्रभुपाद जी वहाँ पे कह रहे हैं, और एक प्रवचन में कहते हैं प्रभुपाद जी, कोई कहेगा कि आप इस तरह के कठोर शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहते हैं मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान कर रहे हैं, है कि नहीं? गधे के लिए फॉर एग्जाम्पल, गधा वो जंगल में जाएगा तो हरी हरी घास मिलेगी, लेकिन सोचता है कि जब तक मैं खूब कठोर परिश्रम नहीं करूंगा तो ये सूखी घास कैसे प्राप्त होगी। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लोग बहुत परिश्रम करेंगे लेकिन कृष्ण की सेवा करने के लिए वह उद्यत नहीं रहेंगे। जीव की अधीन अवस्था समझने में लाखों जन्म लग जाते हैं, किंतु जब कोई वास्तव में विज्ञ हो जाता है तो वह भगवान की शरण में जाता है, भगवान भगवद्गीता में कहते हैं। इससे पहले मैं आगे वाले श्लोक में जाएं, समझिए, बारम्बार दुख भोग रहे हैं हर योनि में, लेकिन इतनी स्ट्रांग माया है कि हम सोचते हैं कि अभी तक तो मैं सुखी नहीं हुआ, मेरे माता पिता भी सुखी नहीं हुए, लेकिन मेरा चांस है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, बस थोड़ा सा मैं अपनी योजना के अनुसार एडजस्टमेंट कर लूं तो मैंने सब कुछ फिक्स कर लिया कि हाँ अब ऐसा कर लूँगा तो सुखी हो जाऊंगा। इसे कहते हैं आशा पाश। तो यही प्रभात कह रहे हैं कि लाखों जन्म लग जाते हैं तब लोगों के दिमाग में घुसता है, अरे भाई मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे, श्रीमान मधुवा प्रभु जी बात को बता रहे थे, महाभागवत का एक लक्षण यह है कि वह अंशित्व, वह मैं कृष्ण का ही हूँ और कृष्ण को संतुष्ट करना ही मेरे जीवन का अस्तित्व है, यह उसका लक्षण है। काफ़ी समय लग जाता है इसमें। भगवान का नाम जप करने से इस प्रकार की अहमता ममता नष्ट होती है, इसलिए बड़ी गंभीरता से करना चाहिए। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं दूसरे स्कंद में कि हरि नाम जप करने का प्रभाव है मिथ्या अहंकार की लोप होने की भावना, मैं ये शरीर हूँ और शरीर संबद्ध वस्तुएं मेरी हैं, इसकी भावना नष्ट होनी चाहिए। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं, ताकत है 10 मिनट बाद मिल जाएगा प्रसाद, जोर से बोलिएगा, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति
स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत सारे जन्मों के अंत के बाद ज्ञानवान मेरी शरण में आता है। क्या शरण में आता है, क्यों आता है? कहते हैं वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही हैं, भगवान की शक्ति के अलावा कुछ नहीं है। कहाँ बैठे हैं पृथ्वी में, कहाँ सांस ले रहे हैं? हवा भगवान की सांस, भगवान ही तो सांस दे दिलवा रहे हैं, पानी भी तो भगवान दे रहे हैं। क्या वस्तु है जो हमारी है? कुछ भी तो नहीं है। पैदा हुए तो पानी की बोतल भी तो नहीं लेके आए थे कि भाई एक दिन पानी कहाँ मिलेगा, है कि नहीं? सब तो ठाकुर जी व्यवस्था कर रहे हैं। घर भी क्या देखते हैं, महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, दो चार जगह थोड़ा दो चार फीट का आकाश को घेर लेते हैं, समझे, दीवाल खड़ा कर लेते, सोचते हमारा घर है। क्या हमारा घर है? वहाँ भी किराएदारी है, सब कुछ भगवान का है। तो जब सब कुछ भगवान का है और मैं भी भगवान का हूँ तो भगवान की सेवा करना चाहिए ना, ये बात बोल रहे हैं। लेकिन सब महात्मा सुदुर्लभा, यह दुर्लभ क्यों? क्योंकि हृदय का अज्ञान इतनी जल्दी जाता नहीं, सोचते हैं कि हमारी सत्ता अलग है, इंडिपेंडेंट है, मैं भगवान से अलग रह के कुछ भी कर सकता हूँ। जो जीव वास्तव में ज्ञानी होता है वे अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद मुझे समस्त कारणों का कारण समझकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामादिनाम कति न कति धा पालिता दुर्निदेशास तेषां जात मई न करुणा नात्र पहनोप शांति उत्सृज्यतामथ यदुपतिर सांप्रतम लब्ध बुद्धिर त्वां शरणम् आयतः माम मामनीयुंश्वात्मदासये। प्रभुपाद जी को कोट करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, बहुत सुंदर है, जीव की जागृति का श्लोक। जब जीव जागृत होता है हरि नाम के द्वारा, कथा श्रवण के द्वारा, तब उसको अनुभूति होती है कि हे कृष्ण, मैं करोड़ों करोड़ों जन्मों में इन काम वासनाओं की संतुष्ट करने में लगा रहा तो संतुष्ट हो गया उनके, ना तृपा न उपशांति, नहीं शांत नहीं हो रहे हैं, और मुझे कोई संतुष्टि भी प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन हे यदुपति, मुझे अभी बुद्धि प्राप्त हो गई है, मैं समझ गया हूँ कि आप ही मेरे नित्य स्वामी हैं, मैं आपकी सेवा में आया हूँ और मुझे अपनी सेवा में नियोजित, मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। और यही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भाव है। हरे कृष्ण मंत्र गाने इसलिए नहीं गा रहे हैं कि कृष्ण देखो मैं कितना अच्छा गाता हूँ, आपने देखा नहीं, ये नहीं है। वास्तविक भावना यही है जो बच्चे की तरह पुकारने का, कृष्ण मैं केवल दुख भोग रहा हूँ और इतना मूर्ख हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं अपनी कुछ नहीं जानता अच्छी, आप मेरा अन्वेषण, आप अन्वेषण कीजिए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। गोपीनाथ वाले भजन में हम सुन रहे थे इस प्रकार से। तो ये बहुत दुर्लभ है, समझ में नहीं आता है लेकिन दुर्लभ है, अलभ नहीं लिखा गया है। जप करते करते, भक्ति करते करते हृदय में एकदम स्फुरित होने लगता है, नहीं कृष्ण ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं और कृष्ण हमारा उद्धार जरूर करेंगे। प्रहलाद महाराज महात्मा थे, अतएव उन्होंने भगवान के चरण कमलों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उनके कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उन्हें सुरक्षा प्रदान कर देंगे। एक लास्ट लाइन बोलूँगा, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं देखो कृष्ण की स्मृति से ही मेरी सारी परेशानियाँ चली गई, फिर भी व्यक्ति को विश्वास नहीं होता। तो विश्वास ना होने के कारण उस प्रकार का आदान प्रदान भगवान से प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। हम यहाँ पर रुकेंगे, कोई किसी का प्रश्न है या जिज्ञासा है, या मेरे कहा से कोई जिज्ञासा नहीं होगी, ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय।